रिसेंटली एक यूट्यूब कपल, हिमाचल वाला एंड हिमाचल वाली, इन दोनों का ब्रेकअप हुआ और इन दोनों ने एक दूसरे पर सोशली एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इनमें से कौन गलत है और कौन सही, पर हिमाचल वाली की अगर कुछ बातों को हम ध्यान से देखें और माने कि वो सही है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्यार में इतना अंधा नहीं होना है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई मायने ही नहीं रखे। किसी के लिए इतना डेडिकेटेड नहीं होना है कि उसके गलत को भी हम सपोर्ट करने लग जाए। कहा जाता है ना कि प्यार में किसी एक का झुकना तो ज़रूरी है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि मेरे मानने में अगर सिर्फ एक इंसान बहुत सारे एफर्ट्स करता रहेगा, बार बार किसी की गलतियों को नज़रअंदाज करता रहेगा, तो वो कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। अगर आज तुम्हें कोई गालियाँ देता है और तुम उसका जवाब गालियों से देते हो या इग्नोरेंस से देते हो, तो इस तरह से ये बात सॉल्व नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। अगर आज तुम छोटी छोटी बातों पर उसे टोकोगे या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बीच में लाओगे, तो शायद ये बात कल को मार पिटाई तक की बातों पर नहीं आएगी। किसी के रूड बिहेवियर को अगर तुम सहते हो, तो तुम खुद के पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि प्यार उस इंसान से करो जो डिजर्व करता है, उससे नहीं जो पहले मीठी मीठी बातें करता है और बाद में अपना असली चेहरा दिखाता है। हाँ, झुकना ज़रूरी है, मगर इतना नहीं कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने लग जाए। प्यार तो अंधा होता है, पर तुम्हारी तो आँखें हैं ना। इन चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, जाओ वहाँ, कदर हो जहाँ। और रही बात हिमाचल वाला और हिमाचल वाली की, तो ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसे घर में सॉल्व करो। तुम्हारे नाम के आगे हिमाचल लगा है, उसकी कदर कर लो यार। तुम पूरे हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अपनी बातें खुद तक रखो और खुद सॉल्व कर लो।